नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी टेट प्राइमरी लेवल का सलूशन लेकर आया हूं मैं, मैथ्स का आपका जो सलूशन है। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो आप सारे क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखिएगा, और सभी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और जल्दी आप लगा सकते थे। तो मैं इसका बेस्ट सलूशन कोशिश करूँगा कि बेस्ट सलूशन आपको प्रोवाइड करूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि पाइथागोरस ट्रिक, जैसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो भी समकोण त्रिभुज होता है जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो अगर वो उसको तीनों भुजाएं से डिस्फाइड कर रहेंगे वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये नहीं कि सबको चेक करना है, जैसे काफ़ी लोग होंगे जैसे 6, 8, 10 भी एक ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ पर 8 क्या है, यहाँ बोला है ना कि सबसे छोटी संख्या 8 होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब कैसे ये जल्दी निकालते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लीजिएगा। बाकी तो हम लोग अलग से जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे अलग से जब वीडियो लेकर आऊँगा तो बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जल्दी आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे छोटी संख्या अगर आपकी सम में है, किसमें सम में हो, अगर मान लीजिए 8 आपका सम संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर तुरंत ट्रिपलेट निकालना, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, तो 8 का स्क्वायर आप करोगे 64 आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। ठीक, तो इसका हाफ करने के बाद आपका कितना आएगा, 32। और 32 को जब आप हाफ करोगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे तो यहाँ 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको 4 से ही डिवाइड कर दे रहा हूँ। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखिएगा 16। जो भी स्क्वायर करने के बाद जो भी 16 आएगा, इससे 16 से एक कम 15 और इससे एक ज़्यादा, तो 8 तो आपका था ही, तो उसके बाद देखिए एक कम कितना आया, 15, और एक ज़्यादा क्या आया, 17। तो आप एक बार में देख के ही निकाल सकते हैं। और मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आप पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 8, 15, 17 जैसे जितने भी ट्रिपलेट्स होते हैं उनको एक लाइन से आप पूरा सीरियल से लिख डालिए, जैसे जब भी आप उसको देखेंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन था डी। और ये जो आपका मैंने बुकलेट नंबर लिया है, ये बुकलेट जो सीरीज है, इसका सीरीज आपका सी है। ठीक है, और जिनका सी है अगर जो है तो डायरेक्ट उनको देख सकते हैं। बाकी जिनका ए बी सी जो भी डी मिला होगा, तो आप क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था जो कि डिजिबिलिटी रूल पे आपका आया था कि ये संख्या अगर 9 से कट रही तो जेड का मान क्या होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका होता है कि इनका जो पूरा सम होता है, इनका सम आपका 9 आना चाहिए। तो जहां जहां देखिए 9 आपका बना रहा है, उनको काटते जाइए। जैसे देखिए 8, 1, 9। क्लियर है? और ये 7 हो गया, और इस 4 से 1, 2 भी होगा, तो 7, 2, 9, 1, 2 बचा रह गया। और इस 2 में हम क्या जोड़ दें कि आपका 9 हो जाए, तो जो 2 बचा रह गया है, 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए, बहुत ही आसान है, मैं जल्दी जल्दी सोल्यूशन करा रहा हूँ, आप इसको देखते रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस को जल्दी कैसे कर सकते हैं, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका घातांक से क्वेश्चन था, 2160 है ये, इसकी पावर में है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर ये LHS है, RHS है, तो RHS के जैसा ही आपको LHS को भी बनाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर टाइम लेते हैं। देखिए, टाइम नहीं लेना है, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे आपको 1 से लेकर 21 तक का क्यूब भी याद होना चाहिए, उसके अलावा जितनी भी घाते हैं, जैसे 2 से 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 तक, फिर उसके बाद 4 की पावर 1 से लेकर, मतलब इस तरीके से हमको पूरा याद होना चाहिए। जब 216 मतलब 2160 आप देखेंगे, तो इसको 216 × 10 लिख सकते हैं, और 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। जब आपको याद रहेगा आप तुरंत कर सकते हो। ठीक है, तो 216 का जो ये 216 होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और इस 6 के अंदर 2, 2 और 3 एक बार होगा, 1 6 1 6 में। तो अगर 3 बार आपका 6 आ रहा है, तो आप समझिएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 2 की पावर, यहाँ देखिए जो 6 होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 का क्यूब इंटू ये 10 का मतलब क्या है, 2 × 5। तो इस 1 6 में आपका 1 बार 2 आएगा, तो 3 बार अगर 6 होगा तो 3 बार 2 और 1 बार 2 यहाँ, तो क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। और ऐसे 3 जो होगा, 3 आपका 3 बार आएगा, और 5 क्या होगा, 1 बार आएगा। बताइए, ये LHS RHS के जैसा बन गया, तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि A बराबर क्या आएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ से A बराबर क्या, A बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, और B बराबर क्या आ जाएगा, 3, और C बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसकी वैल्यू उठाकर आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। चलिए इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, मैं इसको यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ, देखिएगा
तो यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू 4 आई है, तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस बी का मतलब ये नीचे लिखेंगे तो 1 बाई बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की ये b की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 क्या आएगा 8 आएगा, और 3 की पावर 4 भी आपको मैंने बोला था याद होना चाहिए 81, और ये भी देखिए नीचे आ जाएगा तो 1/5 या 5 की पावर हम लोग डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं तो ये सी तो 1 ही है तो डायरेक्ट कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 81 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 81/40। तो इसका जो आंसर था, इसका जो आंसर था क्या था 81/40। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है एक आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपसे बार बार बोला है कि जब भी आप मैथ पढ़ते हैं जो चीज़ें उन्हें याद करने के लिए बोली हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस सीरीज वाले क्वेश्चन जो आप क्यूब याद करते हो स्क्वायर याद करते हो उसका फायदा क्या मिलता है, उसका फायदा यहाँ मिलता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर आप देखते ही पता चल जाएगा जब आपको चीज़ें याद रहती हैं, नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का ये क्या है क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब क्या आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। देख रहे हैं काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको पता रहेगा तुरंत कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये आपका प्राइमरी लेवल का है, यूपीटेट प्राइमरी लेवल का, उसके बाद हम लोग एक वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे जो आपका जो अभी अपर लेवल का हुआ है उसका भी मैथ्स का सोल्यूशन मैं पूरा प्रोवाइड करूँगा डिटेल में, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो वो वीडियो जरूर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं बताऊँगा जहाँ पर हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा एक क्वेश्चन आया था, किसी बंटन का बहुलक, बहुलक का मतलब जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड। ठीक, तो अब यहाँ पर बताना है कि किसी बंटन का जो मोड होता है, देखिए ये आपका होता है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, बारंबारता वक्र द्वारा जिसे हम लोग ओजीव ग्राफ जो बोलते हैं हम लोग ओगीव। ठीक, आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है ये आपका हिस्टोग्राम होता है से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो था थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने किया होगा यहाँ पर, अगर जैसे ये है यहाँ पर आप इससे निकाल सकते हैं मीडियन, ना कि मोड, बात समझ में आ रही है, इससे भी मीडियन निकलता है, इससे भी मीडियन निकलता है, और आपका रहा आवृत्ति बहुभुज और आयत चित्र, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज थे। तो आवृत्ति जो बहुभुज है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, अगर ये होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता आवृत्ति बहुभुज, क्लियर है, लेकिन ये आपका था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी एक वक्र टाइप का ही होता है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ये भी आपका मीडियन से रिलेटेड होता है, और आयत जो होता है जो हिस्टोग्राम होता है वो आपका ये बताता है कि जो बारंबारता आती है, जो आपका जो आयत आप बनाओगे जो बारंबारता आएगी, बारंबारता मतलब जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, और मोड का मतलब भी होता है जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही मोड होगा, तो सबसे अच्छा जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर था वो क्या था हिस्टोग्राम। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, तो जो पांचवा का ऑप्शन होगा वो क्या होगा सी होगा। ठीक है अगला जो क्वेश्चन था आपका, एक रेक्टेंगल था एक आयत था, उसमें बोला गया यदि लंबाई में 60% बढ़ा दिया जाए, क्या बोला गया यदि लंबाई को लेंथ को 60% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पर एरिया पर कोई भी प्रभाव ना पड़े समान हो। तो देखिए इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बस 60% को आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा बस 60% को आपको लिखना है 3/5, इसको आप बदलना आता ही है, तो ये आपका ये क्या हो रहा है लेंथ बढ़ रहा है, तो आप क्या करना ये 3 इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/8, इसके मतलब चौड़ाई में आपको 3/8 की कमी करनी होगी, और 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देख के ही दे सकते थे, सेकेंडों में दे सकते थे, तो मेरे ख्याल से आसान है, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप एक बार पीछे भी करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक घन का संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का जो संख्यात्मक के रूप में घन का आयतन जो है संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो देखिए आयतन जो होता है घन का, जैसा कि आपको पता ही है क्या होता है a³, तो a³ जो होगा भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो जितनी भी भुजाएं हैं, तो जैसा कि आपको पता है वर्ग में जो घन होता है घन में कितनी भुजाएं होती हैं 12, तो उन 12 अगर भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो 12a आएगा, तो एक ए कट जाएगा तो बचेगा a² = 12,
तो पूछा था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्लियर? तो 6a स्क्वायर में ये 12, देखिए 6 × 12 करेंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 वर्ग इकाई। तो आंसर इसका जो था आपका क्या था, ए था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। था इसमें क्या था कि अमित के वेतन में जो इतनी समय वेतन है उसका प्रेजेंट वेतन है 2018 में 1,26,500 है, तो इसमें यह बोला गया कि 2016 में जो उसका वेतन था 10% बढ़ गया तथा 2017-2018 के बीच में 15% उसके वेतन में वृद्धि हो गई। तो बोला 2016 में उसका वेतन क्या था, देखिए बहुत ही आसान था। तो 10% को आप क्या कर सकते हो, 1/10 कर सकते हो, और 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वृद्धि का मतलब क्या होता है, पहले 10 था, 1 बढ़ गया, क्या हो गया 11, यहाँ पर क्या हुआ पहले 20 था और 1 बढ़, मतलब ये 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 200 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 253। तो 2018 का दिया है तो 253 कितने के बराबर है, 253 आपका 1,15,000 के बराबर है। क्लियर है? तो 153 जो 253 इतने बराबर है, तो इसको जब आप काटेंगे और इसके इसके बराबर करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 दूनी ये, तो ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका सॉरी कितना है ये, ठीक है, तो ये 5, ये 5 टाइम्स गया इतना, उसके बाद 2 जीरो और लग जाएगा, तो 500 × 200, ठीक है, तो 500 × 200 क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका था वो कितना था, 1,00,000। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी आसान था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी आसान था, यहाँ पर SCM LCM दिया था और उसके बाद एक संख्या ही दिया था, दूसरा संख्या निकालना था। तो इसका बस फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, LCM × SCM जो होता है first × second। देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, बस बताने के लिए कर रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा LCM SCM का गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके इकाई अंक अगर गुणा करूंगा तो 6 × 2 कितना आएगा, 12। अगर LHS में, अगर LHS में इकाई अंक 2 आ रहा है तो इसका भी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ये 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 8 × 2 = 16, 6 आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, 8 × 4 = 32, 2 ही चाहिए था शायद ये हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 × 2 = 16, 6 आ रहा, फिर ये भी नहीं हो सकता, 8 × 7 = 56, 6 आ रहा फिर, तो ये भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं बिना मैं कैलकुलेट किए हुए ही डायरेक्ट हम लोग इकाई अंक का यूज करके हम लोग इसका आंसर दे सकते थे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन रीजनिंग का था, इसमें बोला था कि किसी महीने में तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ रहा है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार कब पड़ेगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या सॉल्व कराना है, इसका आंसर जो था आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या था, 27। अगला क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, विकर्ण की लंबाई दी थी 17 मीटर, ठीक है, और परिमाप दिया है 46 मीटर। तो जैसा कि पता है परिमाप का मतलब ये इन चारों भुजाओं का योग 46 है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ भी हम थोड़ा सा अगर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट जानते हो तो हम देखिए तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 17 है, अभी आपने एक ट्रिपलेट भी पढ़ा था 8, 15, 17, याद होगा, अभी पहला ही क्वेश्चन था 8, 15, 17। तो इसको चेक कर लेते हैं कि अगर 8, 15 ये है तो 15 और 8 कितना हो रहा है, देखिए 15 और 8 अगर हम देखेंगे तो लगभग आपका ये हो गया 23। तो इतना अगर 23 है तो ये भी देखिए 15 होगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये उल्टा मैंने कर दिया है, ये सबसे बड़ी भुजा 15 होगी ना, तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 है, ये 8 है, ये भी 15 होगा, ये भी 8 होगा। तो जैसे ये आप देख रहे हैं सेम है तो ये भी सेम होगा, तो 23 × 2 = 46 आ गया, नहीं आ गया। और जैसे ये 46 आया, देख रहे हैं परिमाप हमारा 46 है, कि जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही था। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया से पूछ रहा था एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर में, तो एरिया क्या होता है 15 × 8, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला 8 × 15, 15 × 8 = 120। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया, 15 × 8 क्या होगा, 120 होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था, इसको सरल करना था, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पावर का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो -1 × -1 × -1 × -1 तो आ जाएगा 2। तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, 2 सम संख्या है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया था ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन कुछ ऐसा दिया था ABC BCD ACD ऐसा करके ऑप्शन दिया था, आप चेक कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब 2 आ रहा है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है, 2 का गुणक है, गुणक का मतलब जो 2 से कटता है, बिल्कुल कट रहा है,
क्या विषम संख्या हो सकता है? तो विषम संख्या वो होती है जो दो से नहीं कटता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता था। तो जो आंसर था इसका आप चेक कर लीजिएगा, ए बी सी करके दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? एक है। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, उसके बाद लिखा है, देखिए यहां पर आपको बताना था कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा एक भाज्य संख्या आपकी विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 15 क्या है, एक भाज्य संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो ये आपका विषम हो सकता है, बिल्कुल सही है। बस जब यही सही होगा तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक कर लेते हैं। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि दो आपका क्या है अभाज्य संख्या, तो ये गलत है। दो अभाज्य संख्याओं के योगफल सदैव, ये भी गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक, एक नहीं होती, क्या होती है, दो होती है, तो ये भी गलत है। तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा। चले हम लोग देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन देख लिया जाए। एक ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक बहुभुज है जिसके अंतर तथा वाय कोणों का अंतर क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो भुजाओं की संख्या क्या होती है? देखिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। देखिए अंतर और वाय कोणों का जो अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो योग होगा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहां पर अंतर आपका 60 डिग्री है, और एक आपको यह भी पता होगा कि 360 डिग्री में अगर हम एक्सटीरियर एंगल या किसी भी ये भुजा से अगर हम भाग दे देते हैं, जैसे भुजा से अगर हम भाग देंगे तो आपका जो एंगल आएगा एक वाह कोण का माना जाएगा। अगर भुजा से आप भाग दोगे तो बाहर के एक वाह कोण का माना जाएगा, और जैसे वाह कोण का माना आएगा, तो जैसा कि जैसे मान लीजिए वाह कोण आपका 60 आ गया, तो आप तुरंत बता देंगे वाह कोण, जैसे ये एक्सटीरियर है, अगर 60 आ गया तो इंटरनल आप तुरंत बता देंगे इंटीरियर एंगल 120 डिग्री, क्यों? क्योंकि इनका सम 180 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको क्या करना था, सिर्फ ऑप्शन का सहारा लेना था। चलिए यहां पर देखें, अगर हम 6 से भाग दे दें तो ये कितना आ रहा है, 60। तो ये एक वाह कोण का मान आ गया 60, बात समझ आ रही है, और इसका मतलब इंटीरियर कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। और बोला था इनका अंतर 120 माने 60 का अंतर कितना था, 60 था, तो कुछ करना ही नहीं था। जो यहां आंसर था, सीधी सी बात थी, आंसर क्या था आपका, ए ऑप्शन था, जिसका ऑप्शन था यहां पर 6। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दो चीज जो आपसे क्वेश्चंस को लगा सकते थे। मैंने ना तो इंटीरियर एंगल का यूज किया, ना तो एक्सटीरियर का, बस एक्सटीरियर का यूज किया, इंटीरियर का यूज ही नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा था कमरे की लंबाई इतने परसेंट घटा दी जाए, ये घटा दिया जाए, ऊंचाई इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये 10% घटाने का मतलब क्या हुआ, 1/10। 1/10 मतलब 10% का मतलब क्या होता है आपका, ये 1/10 होगा, ये 1/5 है, और ये क्या है 5% मतलब 1/20। तो यहां पर जब आप घटाओगे तो इसका मतलब 10 से क्या होगा, 9। 1/5 का मतलब 5 था, 1 घट गया, कितना हो गया, 4। और ये 1/20 है तो ये आपका बढ़ रहा है, तो ये 20 था, ये कितना हो गया, 21। देखिए यहां पर क्या होगा, ये कट जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 5 × 5 = 250, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 189। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितने का गैप आ रहा है, 61/250 × 100, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 24.4% या आपकी ओवरऑल क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो फिलहाल प्रभाव में चेंजेस पूछा था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24.4%। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इनफैक्ट ये डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होता आप तुरंत आंसर टिक कर सकते थे 814, लेकिन वही बात है ना, हमें तरीका भी समझना पड़ेगा। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है क्या किसी कमरे, और जो कमरा होगा वो आयताकार होगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसमें बोला है कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, एक्चुअली ये भी एलसीएम एससीएफ का ही क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इसको आप पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1517 सेंटीमीटर और ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का क्या निकाल लेना है, एससीएफ। जो एससीएफ आप निकालोगे, जो वर्गाकार टाइल होगा इसकी एक भुजा की लंबाई आ जाएगी, जो भी एससीएफ निकालोगे उसकी एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, और उसके बाद इनका एरिया और वर्गाकार टाइल के एरिया से अगर हम भाग दे देंगे तो टाइलों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, एक्चुअली इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, 1517 × 902, और टाइल जब आप इसका एससीएफ निकालेंगे, जो एससीएफ निकालेंगे वही वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 41 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो 41 इंटू 41 करेंगे तो ये डायरेक्ट आप इसको काट रहे होंगे, तो ये पूरा कट कर आपका आंसर आ जाएगा 814। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लीजिएगा, बाकी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको इकाई अंग निकालना था, तो देखिए यहाँ पर इकाई अंग निकालने की टेक्निक आप सभी को पता होगा। तो अगर यूनिट प्लेस पे 3 है, इसकी पावर कुछ भी होती है, तो इसमें हम लोग किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 67 में, क्योंकि 4 से भाग देने का मतलब 4, अगर आप इसमें रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सिर्फ लास्ट टू डिजिट में ही 4 से आप भाग देकर काम बना सकते हैं। तो 4 से जब इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल 3 आ जाएगा, और यही 3 जो होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी की पावर ये रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 3, ये आपका यही रिमाइंडर इसके ऊपर लगा देंगे घात पर। तो 3 की पावर 3 क्या आता है, 27। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था कितना था, 7 था। आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन लिखा नहीं, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन ये था कि कोई भिन्न है, अंश का मतलब क्या है आपका, न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा डिनोमिनेटर हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो जो नया भिन्न प्राप्त होता है वो क्या होता है, 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, परसेंटेज से था। तो मान लेते हैं मूल भिन्न आपका x है और x और y। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर अपने आप में बढ़ती, अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो अगर अंश को आप 20% बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब पहले से वो 100% रहा होगा। तो जब आप 20% बढ़ा दोगे तो अंश आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120%। और हर कितना हो जाएगा, 125। और यही कितने के बराबर है, 3/5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका, देखिए ये आपका पूरा कटेगा, तो x अपॉन y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20 यहाँ से हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 3 × 8 = 24। अब यहाँ पर 8/5 भी एक आंसर दिया था, तो ध्यान रखना है 8/5 नहीं होगा, क्योंकि ये इनटू में लगा है, इसको उधर ले जाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर काफी लोगों ने 8/5 करके भी गलती कर दिया। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 5/8, क्योंकि उधर लेकर जाएंगे, 5 उधर आएगा, 8 इधर आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/8। आगे बढ़ते हैं, ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, 8 से ड्यूजबिलिटी बताना था। और देखिए आसान तो होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इसमें काफी टाइम ले लेते हैं। इसको और जल्दी कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हम 8 से ड्यूजबिलिटी रूल चेक करते हैं तो आपको पता होगा लास्ट 3 डिजिट में हम 8 से भाग करते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, अगर 8 की ड्यूजबिलिटी रूल कभी भी आएगी तो आप सिर्फ 2 डिजिट पर भी काम बना सकते हैं। 2 डिजिट के लिए कंडीशन क्या है, अगर सिर्फ हम 2 डिजिट पर 8 से भाग देंगे और वहां से पता लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, अगर आप 2 डिजिट में करना चाह रहे हैं तो आपको तीसरे अंक को ध्यान से देखना होगा। अगर तीसरा अंक आपका क्या हो, सम हो, ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा अंक अगर आपका सम हो तो हम डायरेक्ट इसमें 8 से भाग दे देंगे। अगर भाग चला गया तो यही आपका मतलब 8 से कट जाएगा, अगर नहीं भाग गया मतलब कुछ भी अगर आएगा तो क्या बन जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो ये 8 देख रहे हैं, ये 2 सम है, अगर ये सम है तो हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, तो 8 × 45, तो मतलब एक तो ये ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं, यहां भी देखिए 2 है, ये सम है, लेकिन क्या ये भाग जा रहा है, तो ये नहीं कटेगा, आप देख रहे हैं तुरंत आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब देख रहे हैं कि जो तीसरी संख्या है ये क्या हो गई, विषम हो गई। तीसरी अगर आपकी विषम हो जाती है, अब इस पर ध्यान सुनना है, अगर तीसरी विषम हो जाएगी तो इसमें आप 4 जोड़ देंगे, इसमें 28 में आप 4 जोड़कर भाग देंगे किससे, 8 से। तो 28 में अगर 4 जोड़ेंगे और 8 से भाग देंगे, देखिए 32 आ रहा है, 28 × 4 = 32, इसका मतलब ये भी कट रहा था, क्लियर है। इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो 24 × 4 क्या आएगा, 28 आएगा, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है, तो ये भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता था। तो यहां पर जो एप्रोप्रिएट आंसर था वो आपका क्या था, ये आपका था पहला वाला और तीसरा वाला, तो उसमें आपका दिया होगा ए, ए में ए बी सी ऐसे करके दिया होगा, तो फर्स्ट देखिए ए और इसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या था, सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे जो 8 से कट रहे थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा था त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष, जब तक आप प्रिज्म में पिरामिड के बारे में नहीं जानेंगे कैसे बता पाएंगे। त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या होता है, देखिए जब प्रिज्म की बात होती है तो जो भी बेस होता है, जैसे यहाँ पर त्रिभुजाकार बात हो रही है, तो प्रिज्म किसी भी टाइप का हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो जब भी प्रिज्म की बात होगी तो यहाँ पर जैसे आपने मान लिया, यहाँ पर आपने ये बना दिया और यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है, इसको जब आप मिला देंगे ये ऐसे सारे शीर्षों को आपस में आप जोड़ देंगे, तो यही पूछा है कितने शीर्ष होंगे। और इसका जो टॉप होगा और बॉटम, टॉप और बॉटम क्या होगा हमेशा प्रिज्म का, वो एकदम आपका आइडेंटिकल होगा, समान होगा। तो यहाँ पर यही आपकी ये त्रिभुजाकार आपका जो बेस होगा इसी के ऊपर टॉप पे भी यही होगा। तो 3 शीर्ष यहाँ है, 3 शीर्ष यहाँ है, जिसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष को, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर, इसका हो जाएगा
छह वर्टेक्स यहां पर बनाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, छह। काफी लोगों ने चार भी लगाया है, तो चार, चार तब होता जब आपका ये क्या होता, त्रिभुजाकार पिरामिड, अगर पिरामिड होता तो आपका क्या हो जाता, चार हो जाता। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब दस रुपए में छह की दर से बेच रहा है, यहाँ दस रुपए में छह की दर से खरीदा और छह रुपए में, क्योंकि सीपी है, और छह रुपए में चार की दर से बेच दिया, तो यहां से आपको हानि परसेंट निकालना था। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए ये कुछ बड़ी वैल्यू है तो उसको आप काट दीजिए, दो पंजे दस, दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, दो दुनी चार। फिर देखिए यहाँ पर रूल क्या कहता है, जो क्वांटिटी होती है, जो आपकी मात्रा होती है, इसको बराबर कर देते हैं। तीन और दो को बराबर करने के लिए इसमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें तीन से करना पड़ेगा, और जैसे इसमें दो से करेंगे तो इसमें भी दो से करेंगे, इसमें तीन से करेंगे तो इसमें भी तीन से करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जो सीपी आ रहा है दस आ रहा है और ये कितना आ रहा है नौ, तो बताइए हानि हो रहा है, क्योंकि जब हानि होता है तो सीपी क्या होता है, बड़ा होता है एसपी से, तो एक की हानि हो रही है किस पर, दस पर, तो एक की हानि हो रही है दस पर, तो एक बटे दस की वैल्यू 10%, तो इसका मतलब आपका जो आंसर था इसका क्या था, 10% की हानि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन था, एक ग्राम में कितने किलोग्राम, तो सारे ऑप्शन ए बी सी डी करके ये दिया गया था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के थे, ए बी सी बी सी डी जैसे अभी मैंने बताया था। तो इसका देख लेते हैं, एक ग्राम में क्या 1000 किलोग्राम, क्योंकि 1000 किलोग्राम भी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ 1000 नहीं होगा, ये 1000 होगा, तो एक तो आपका आंसर ये हो गया पहला। उसके बाद इसको अगर हम 10^3 लिख सकते हैं तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10^-3, ये भी सही था, लेकिन ये नहीं सही है क्योंकि ये चार अंक, ये जो दशमलव लग रहा है ये दशमलव यहाँ लगना चाहिए था, ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या था, ए और बी, क्लियर है। तो जो आंसर था क्या था इसका, ए और बी था, चेक कर लीजिएगा। देखिए ये 24 क्वेश्चन है, इसके बाद 6 क्वेश्चन और रह जाएंगे, उसको हम लोग कल के कंप्लीट करेंगे। तो 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखना था, तो आप ये बताओ 0.01 गुणे 0.01, तो जब भी दशमलव वाले जो अंक होंगे, जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी, अगर उनको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो उसमें बस क्या करना है, गुणे 100 कर देना है, और जब गुणे 100 करेंगे तो ये वाला देखिए दशमलव हट जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या 0.01%। तो एक तो ये ऑप्शन सही था, ध्यान देते रहिएगा। एक आपका देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ प्रतिशत लगाया नहीं है, यहाँ प्रतिशत लगाया है। देखिए ऑप्शन भी काफी कंफ्यूजन वैसे बनाया गया था, तो यहाँ जो आंसर होगा अप्रोप्रिएट वो होगा ए और डी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट आपके 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ध्यान रखिएगा इस वीडियो के बाद आपका जो प्राइमरी लेवल का मैंने बनाया है, इसके बाद आपका जो अपर लेवल हुआ है माध्यमिक स्तर का, तो उसको भी मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिए और अपने ग्रुप में जरूर फैलाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन था कि इसमें बोला गया था कि देखिए मैंने यहाँ जल्दी लिखा है, लैंग्वेज के फॉर्म नहीं लिखा, मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें लिखा था दो संख्याओं का अंतर दिया था 5 और उनका गुणनफल क्या दिया था 36। तो मान लीजिए मैंने दो संख्या क्या मान लिया, एक्स वाई, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोला कि इनका अंतर पूछ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वाई को मैंने पहले लिखा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन से आपको घबराना नहीं, ऑप्शन से आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इनके व्युत्क्रम का अंतर पूछा था, इनके व्युत्क्रम का अंतर पूछा था, ठीक है। तो जब भी व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब वाई अगर है तो उसका 1/y। देखिए जब इसको उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा डायरेक्ट x-y/xy, मतलब इसमें कुछ करना नहीं था। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हैं, चाहे आपका योग दे, कभी कभी योग देकर व्युत्क्रम का योग पूछता है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दी गई बस यहां पर बटे लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। योग करके भी पूछता है, योग करता है तो यहाँ योग पूछेगा, अंतर दिया तो अंतर पूछा, तो कुछ नहीं करना है। जब भी आपसे अगर यहाँ पर व्युत्क्रम का अंतर या व्युत्क्रम का योग पूछता है तो जो भी अंतर वाला रहेगा ऊपर रखिए, जो ये है। तो आज के बाद मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन का देखते ही जवाब दे देंगे, तो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 5/36। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए ये सारा ही बराबर था, तो जब सारा बराबर होगा तो मैं एक एक इक्वेशन को अगर बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक एक इक्वेशन को अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो a प्लस बी है, तो अगर हम c को उधर ले जाएंगे तो यह आएगा a प्लस बी बराबर के सी। ऐसे ही इसको अगर हम बनाएंगे इसके साथ, तो यह देखिए a उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन एक बनेगा b प्लस सी बराबर के ए। ऐसे ये वाला लास्ट वाला, ये वाला भी बन जाएगा, तो यह आ जाएगा c प्लस ए बराबर के बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इन तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी आप k की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि जब जोड़ोगे तो यहां से आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और जब यहां जोड़ेंगे तो k कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी।
तो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या था, के बराबर दो, काफी आसान सा क्वेश्चन था, जो इसका आंसर क्या होगा, दो हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तीन मापों को लेकर कितने त्रिभुज यहां पर बनाए जा सकते हैं, और यहां पर क्या है आपसे त्रिभुज पूछा जा रहा है। तो देखिए त्रिभुज की जो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, यहां तक हुई गया आपका। तो देखिएगा यहां पर तीन मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो यहां पर देखेंगे जो त्रिभुज की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए यहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया था एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, ऐसे करके ऑप्शन दिया था कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं इन चार मापों को लेकर। और जैसा कि पता है केवल तीन माप को ही लेकर लेना है, और ये चार माप दिए हैं, तो हर तीन को आपको कॉम्बिनेशन बनाकर चेक करना होगा कि त्रिभुज संभव है कि नहीं। चलिए अगर मैं इस तीन को लेता हूं, तीन माप को, तो मैंने बोला दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बढ़िया नहीं चाहिए। तो चलिए 1.2 और 4.2 का अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 5.4, और जो तीसरी भुजा है वो क्या है 5.9। ये तो मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो ये पैटर्न क्या सेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं बन पाएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इन तीन को ले लेता हूं, इन तीन को लूंगा। तो देखिए तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा क्या, 8.1, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ध्यान दीजिएगा 9.2, 9.2, 11, ये मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। तो एक आपका ये त्रिभुज बन गया। अभी एक पेयर और रह गया है, एक पेयर कौन सा रह गया बताइए, एक आपका ये रह गया है, ये रह गया और ये रह गया है। तो तीन तरीके से यहां पे पेयर बनेंगे, और जिसमें से सिर्फ एक ही बार संभव हो पा रहा है। तो यहां चलिए तीसरा भी चेक कर लीजिए, यहां पर अगर आप जोड़ेंगे 1.2, 5.9 को अगर आप जोड़ेंगे तो देख रहे होंगे यहां पर 9, 2, 11, 5, 1, 6, मतलब 7। तो यहां पर ये 7.2 कुछ समथिंग आ रहा है, ये 8.1 है, तो ये भी नहीं संभव था। तो इसका जो आंसर था कितने त्रिभुज संभव है, एक त्रिभुज संभव है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का भिन्न पर, देखिए भिन्न पर दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, एक तो परसेंटेज में पूछा गया और एक आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा गया है। तो ऐसे में जैसे मैं देखता हूं कि काफी लोग यहां पर इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं, जबकि इसका सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो ऑप्शन से होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, पढ़ने पर जैसे मान लीजिए वैसे तो इसका आंसर सी है, आप करिएगा। अंश में दो जोड़ने पर देखिए, अंश में अगर मैं दो जोड़ दूं, चार में अगर मैं दो जोड़ूंगा कितना आएगा, छह आएगा, और हर में तीन घटा दूं तो नौ में से अगर तीन घटा दूंगा कितना जाएगा, छह। तो संख्या क्या आ जाती है, एक आ रही नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब दोनों को चेक करना पड़ेगा तभी आप आंसर करेंगे। तो चलिए ये वाला भी चेक कर लिया जाए, भिन्न का जो हर है अंश के दोगुने से एक अधिक है। चलिए अंश का दोगुना 8 और एक अधिक है, बिल्कुल सही है। तो यही आंसर था, आंसर क्या था, सी। तो आपने यहां बिना इक्वेशन माने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और रह गया है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन बेस ये क्वेश्चन है बोर्ड मास से। तो ये आपका रेखा कोष्टक होता है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए इसको सॉल्व करा जाए तो 13-7 क्या होगा बताइए, 13-7 क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहां पे क्या लिख दिया, 6। अब ये डिवीजन करेंगे क्योंकि इसको इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें डिवीजन भी है, तो 6 चौक 24, तो यहां से 4 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से बताइए ये -8+4 हुआ, तो -8+4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -4। देखिए ये सुविधा हमारे ही पास से मिटाने वाली, आपके पास तो फिलहाल आप इसको देखते रहिएगा, ये -4 है, क्लियर है। तो यहां देखिएगा ये -, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -9+4, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। एक ऑप्शन आपका इसमें ये भी दिया था, +5 भी दिया था, तो ध्यान रखना है आंसर क्या था, -5। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप इसको अगर देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चनों को करना चाहिए। ये भी देखिए आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर दिया था एचसीएफ, मतलब किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ 4 दिया है और एलसीएम क्या दिया है, 24 दिया है। तो पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, चाहे कोई भी संख्या हो चाहे एलसीएम हो, जो भी एलसीएम या जो भी संख्याएं होंगी वो हमेशा एचसीएफ से क्या होती है, हमेशा एचसीएफ से कटती है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जहां पर आप देखते ही आप आंसर लगा सकते थे। अब ये नहीं कि आप निकालने बैठ गए कि 24-4 पूरा पता नहीं क्या आप लगाते हैं। तो देखिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, देखिए 4 से कटना चाहिए, जो भी आपका संख्या जो भी संख्याएं होंगी वो 4 से भी कटना चाहिए। क्या 14 4 से कट रहा है, क्या 10 कट रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आए, बात समझिएगा, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, जो 8, ये 8 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब बात समझिएगा, अगर मैं A की वैल्यू अगर 8 ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं A की वैल्यू 8 ले लेता हूं तो 8 ये भी है ये भी 8 है, तो क्या इसका एचसीएफ 4 होगा कि 8 होगा, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया।
और जब यहां मैं 12 लूंगा तो 8 और 12 है तो इसका एलसीएम भी 24 आ जाएगा, क्योंकि इसका अगर एलसीएम भी देखेंगे तब भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं था। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या था, ये आपका जो सही आंसर था वो क्या था, 12 था। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप इस कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी मैं आपको जल्दी अपर लेवल वाला भी कंप्लीट मैथ सोल्यूशन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप में फैलाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।